नमस्कार, आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन, और मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो हकलाता है या फिर तुतलाता है, तो कुछ टाइम के लिए वो आपके एंटरटेनमेंट का पार्ट हो सकता है, लेकिन यही प्रॉब्लम आगे बढ़कर आपके बच्चे के आत्मविश्वास को खो सकती है, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। इस तरह की बहुत सारे स्पीच डिसऑर्डर और भी होते हैं, जिनको लेकर आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए, स्पीच डिसऑर्डर जो है वो कई तरह के होते हैं, लेकिन अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले तुतलाने की, और उसी के बारे में सर आपसे जानना चाहूंगी कि हम कैसे कहें कि बच्चा तुतला रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, तुतलाना जो काफी कॉमन है, जो एक बेबी स्पीच के साथ ही होता है, नॉर्मली 3-4 साल की उम्र तक बहुत सारे बच्चे तुतलाते हैं, और अगर उनका मजाक ना बनाया जाए, उन पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ना दी जाए, और आपको अगर उनकी बात समझ में आ रही है तो उस पर ज़्यादा रिएक्ट ना करें, तो धीरे धीरे वो बच्चे उस चीज़ को अपने आप आउटग्रो कर लेते हैं। बहुत कॉमन तुतलाने वाले वर्ड्स हैं, जैसे एल वर्ड है उसको डब्ल्यू या वाई से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे आर वर्ड को डब्ल्यू या वाई से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रेड को रेड कहेगा बच्चा, लीफ को लीफ कहेगा। और बोलने के लिए ना कुछ शब्द जो जो आगे जीप के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, कुछ जो शब्द हैं वो जीप के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, तो उनमें इंटरचेंज हो जाता है। जैसे जी कहना है तो गोट को कोट कहेगा बच्चा, ऐसे चेंज हो जाता है, और कप को टप बोल देगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और एक एक दो दो शब्द का ऐसा चेंज होता है, बट उनकी बात समझ में आ जाती है, और धीरे धीरे वो आउटग्रो कर लेते हैं। मेरा इस बारे में पेरेंट्स को सजेशन यही रहता है कि इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए, उसे जब हम छोटे थे तो जो बच्चे तोतला बोलते थे तो उनसे ना तोतले बोल कहते थे, बोलो जरा पेन को, तो और फिर हम उस पर सब बहुत हंसते थे जब उससे एकदम प्रोनाउंसिएशन ऐसा आता था, थोड़ा गाली से मैच करता हुआ, तो सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं। बच्चे के सामने जब आप हंसते हो उसकी किसी भी बात पे, तो उसे लगता है मैंने बहुत बढ़िया काम करा है, वो उस चीज़ को और रिपीट करना चाहता है, और धीरे धीरे ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है। तो मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं, नेचुरली अगर वो 4 साल से ऊपर का हो गया है और वो ये एम्ब्रेस्ड फील कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, शर्मा रहा है, या कुछ शब्द बोलने से बचने लगा जी, चुप हो गया, या जहाँ उसे कम्युनिकेट करना चाहिए वहाँ बोल नहीं रहा, तो फिर ऐसे में आपको स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहते हैं उन्हें, या स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं, वो लोग आपके बच्चे का पूरा एनालिसिस करते हैं कि इसकी एक्चुअल कौन कौन से शब्द इसके ख़राब हैं, और वो धीरे धीरे उसको ठीक कराते हैं। बस जनरल टिप्स ये हो सकती हैं कि जैसे मैं सभी लोगों को समझाता हूँ, चाहे तुतलाना है या हकलाना है, आप बच्चों के सामने बहुत धीमे धीमे बात करो। इन जनरल आप जो आपका लैंग्वेज जो बोलने का जो स्पीड है उसको धीमी करो जी। देखिए, मैंने सीखा है और जो मैं समझता हूँ, साइकिल की जो चेन, मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, साइकिल की चेन जब उतरती है, जब साइकिल की चेन ढीली हो और उसे बहुत तेज़ी से चलाया जाए, तो अगर आपकी ढीली चेन है तो आप स्लो चलाते हो तो आपकी साइकिल की चेन उतरती नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के सामने सब धीमे धीमे बोलेंगे, क्योंकि बच्चे हमें इमिटेट करते हैं हर चीज़ में, तो वो धीमे धीमे बोल के अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, वो अपनी गलती को रियलाइज कर जाते हैं और काफी बेटर हो जाते हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं ये बात है कि बच्चा जिस चीज को सुन रहा है उसी चीज को बोल भी रहा है। अब बच्चे को क्लियर ही नहीं हुआ कि शब्द क्या बोलना है, तो वो उसको फिर बोल भी नहीं पाएगा। और थोड़ा बहुत आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी आप 2 हफ्ते में एक बार या 1 महीने में एक बार जाएंगे, फिर तो घर पे खुद ही करना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कोई वर्ड बच्चा ठीक से नहीं बोल रहा, उसको अकेले में लेके बैठे, उसकी वॉइस रिकॉर्ड करें और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें, फिर उसको सुनवाएं, देखो बेटा ये तुम ना कप को टप कह रहे थे जी, तो वो धीरे धीरे उसको बहुत आसानी से, क्योंकि जब उसे डर नहीं होगा कोई मेरा मजाक बनाएगा या कोई मुझे डांटेगा, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा, एस्पेक्ट और हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे हमारा 1 साल का भी बच्चा है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए जी।
ये नहीं हम जब चाहे उसका मजाक उड़ा लें, जब चाहे उसकी पिटाई कर दें, कभी तो हमें वही बात अच्छी लग रही है, कभी हम उसी बात पे गुस्सा हो रहे हैं और फिर हम बच्चे को डांट रहे हैं उस चीज के लिए। तो देखिए पेरेंट्स, ये आपको ही ध्यान रखना है कि अगर बच्चा कहीं भी किसी भी शब्द को गलत बोल रहा है तो आपको ही उसे रोकना होगा, क्योंकि मैम सर ने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से फैमिली का एक रोल होता है बच्चे को सही करने में। देखिए फैमिली है जो बच्चे को राइट गाइड कर और किसी भी हैबिट को, जो कि गलत हैबिट हो सकती है, उसको डेवलप करने से रोक सकती है। जैसे सर ने भी कहा कि जिस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाता है उसे हम सभी रिपीट करते हैं। अब जनरली छोटा बच्चा जब उसको 2-2.5 साल में स्पीच आती है प्रॉपर, तो वो सीख रहा होता है, लर्निंग प्रोसेस में होता है, तो वो कुछ शब्दों को अपनी तोतली जबान में बोलता है। जैसे मुझे याद है मेरी कज़न ही सोफ़ा को बोलती थी फोफा, वो स और फ में वो करती थी फोफा। अब छोटी थी, बड़ा प्यारा सा तो लगता था, लेकिन उसको ही अगर अप्रिशिएट करते रहते, उसे सपोर्ट करते रहते, तो वो करेक्ट कैसे होती। तो एक तो बच्चा गलत बोल रहा है, आपको प्यारा लगेगा वो, क्योंकि छोटे बच्चे वैसे भी क्यूट दिखते हैं और जब बोलते हैं तोतली जबान में अच्छे लगते हैं, तो उन्हें कभी भी एक्नॉलेज ना करें उस चीज़ के लिए, बल्कि साथ के साथ उनको करेक्ट करना है। करेक्ट करने में जैसे कि स को फ बोल दिया उसने, तो अब ये जो फोनेटिक्स होते हैं, चाहे वो हिंदी के कुछ हमारे अक्षर ज्ञान हो या अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हों, इन सब को बोलने का एक तरीका होता है। सब में मुंह की एक डिफरेंट शेप होती है, हमारी जो टंग है और जो हमारी मसल्स हैं, जो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होती हैं, तब हम प्रॉपर उसका साउंड निकाल पाते हैं। तो आप धीरे धीरे जैसे स, ऐसे बच्चे को आपने बोलें कि मेरे मुंह की तरफ देखो आप, और बच्चा उस चीज़ को कॉपी करे, या फिर इस तरीके की यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं, आप अगर घर में इस तरीके से अपने बच्चे की हेल्प करना चाहते हो, या जैसे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनकी मदद ली जाए, या आप जो है ना, जैसे सर ने भी एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि बच्चे को रिकॉर्ड करके उसकी वॉइस सुनवा दो, उसे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इनिशियली आप घर में भी बहुत सारे करेक्शंस निकाल सकते हो, इन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको किसी एक्सपर्ट की ही हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि हर बच्चा ही शुरुआत में तुतलाता जरूर है, क्योंकि वो चाहे वो हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी या कोई भी हो, उसका सारा का सारा ज्ञान उसको एकदम नहीं आ सकता। तुतलाने की आदत सिर्फ उन्हीं लोगों को पड़ी रह सकती है जिनको सही टाइम पे करेक्ट नहीं किया जा सकता। और रही बात इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, तो देखिए अगर वाकई बच्चा कोई तुतला रहा है और उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, लोग हंस रहे हैं, शुरुआत में तो उसे लगेगा उसे अप्रिसिएशन मिल रहा है या कुछ ने, उसने बहुत बढ़िया बात कह दी, बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो उसे समझ में आने लगेगा कि ये मेरी अच्छी बात नहीं है, ये मेरी वीकनेस है और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वो क्या करेगा, या तो कटना शुरू कर देगा, वहां से आइसोलेशन में चला जाएगा, या उसको स्ट्रेस रहना शुरू कर देगा, कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर आ जाएगी, उसको कोई भी बात परफॉर्म करनी होगी, बोलनी होगी, उसे एंग्जाइटी होने लगेगी, स्कूल में वो चुप रहने लग जाएगा, वो कोई घर में गेस्ट आएगा आप चाहेंगे कि वो बात करे, लेकिन उसको लगेगा कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, मेरा मजाक ना मजाक, तो वो डिटैच होना स्टार्ट कर देगा, कंफर्ट नहीं रहेगा उसके अंदर और उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बेसिकली लो हो जाएगी। एंड फिर आप देखिए, एक छोटा बच्चा अगर इसी इंप्रेशन के साथ बड़ा हो रहा है, तो जो हमारे शुरुआती 8 साल हैं, जो हमारी नींव भर रही होती है, हमारा माइंड पूरा एक साइकी डेवलप हो रही होती है, वही नींव ही कमजोर रहेगी, उसी में ही हीन भावना किसी तरीके की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डल गया, तो वो आगे चलकर भी उस इन्फीरियरिटी से इतनी जल्दी नहीं उभर पाएगा, लो सेल्फ एस्टीम के साथ बड़ा होगा। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज पेरेंट ही तो है ना जो स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर को चूज करेंगे। तो वहीं पर अगर आप थोड़ी सी अपने घर पर ही मेहनत कर लेंगे तो आपके बच्चे को उन्हें देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज में आपका बच्चा घिर जाएगा, हो सकता है उसकी स्पीच इम्प्रूव हो जाए, बट एक बार कोई भी पैटर्न अगर उसके अंदर फिक्स हो गया तो उसे ओवरकम करना उसके लिए एक लाइफ टाइम चैलेंज भी बन सकता है। जी, तो पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा इस पे और उनकी अवेयरनेस से सारी चीजें कवर हो सकती है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स, जैसे कि पहले से ही हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो समय के साथ बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं, अगर कुछ बच्चे डॉग को गॉग कहेंगे, डॉग गॉग, बट वो 3.5 साल की उम्र तक इसको बेकिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जो पीछे का जो जवान का हिस्सा है वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और डॉग को गॉग कहते हैं, बट 3.5 साल की उम्र तक वो अपने आप इम्प्रूव कर जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कुकी को टूटी कह देंगे तो वो ये कुकी को टूटी कहना 6 ईयर की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे एप्पल को एप्पो कह देंगे, ये 5 साल की उम्र तक सही हो जाता है। पेपर को पप्पू कह देंगे, लाइक दैट। तो दे आर वन वर्ड टू वर्ड्स का हेर फेर काफी होता है, जो साउंड बच्चे ना साउंड चेंज नहीं कर पाते उस समय,
बट समय के साथ ठीक हो जाते हैं। अगर इसी चीज को उनके मजाक के रूप में करा जाएगा तो थोड़ा उनको ये आदत परसिस्ट करेगी। जैसे बहुत सारे बच्चे चिप्स को शिप्स कह देते हैं तो वो भी 4-5 साल की उम्र तक आते आते ठीक हो जाता है। टाई को पाई बोलते हैं वो 6 ईयर तक सही हो जाता है। तो एक या दो वर्ड वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्पीच पैथोलॉजिस्ट अच्छे से कैटेगराइज करते हैं कि बैकिंग डिसऑर्डर है या फ्रंटल वेलर डिसऑर्डर है, वेलर डिसऑर्डर है, वो उनके टेक्निकल लैंग्वेज है जी। वो बेसिकली इस बात पर आधारित है कि टंग का मूवमेंट लिप्स के साथ कैसे सिंक हो रहा है। टंग पैलेट पे जो तालवा ऊपर जो पैलेट होता है जीभ के ऊपर उससे आगे का हिस्सा जीभ का जोड़ा है या पीछे का जोड़ा है, ऐसी फैब्रिकेटिंग स्पीच होती है कि सीटी बजा के बोलना। अच्छा बहुत से लोग सह के साथ उनकी हवा भाग जाती है इधर से, तो स्पीच थेरेपिस्ट सब समझते हैं। बाकी इनमें मोस्टली डिसऑर्डर अपने आप सेल्फ रिकवर हो जाते हैं अगर आदमी पेशेंस रखे और उन बच्चों का मजाक ना बनाए। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि बच्चों का मजाक ना बनाया जाए, और अगर बच्चा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको वहाँ टोकना है और उसको बताना है कि सही प्रोनंसिएशन। मैं ये नहीं कहूंगा उसी समय आप टोकें, अगर आप सबके सामने टोकते हैं तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आप, मैं हर माँ को समझाता हूँ कि बच्चे ना जब बच्चों की कमी आप नोट कर लें दिन भर की और एक एक कमी को अनलर्न करें। जैसे अगर सपोज आपको स्पीच में ही, जैसे बहुत से बच्चे कहेंगे कि मुझे सब कुछ आता है बस लय को लत कहता हूँ, रह नहीं कह पाते, वो रह को लय कहते हैं, लय से लत होता है। अब आप उसका मजाक बनाओगे कि भैया भाई बोलिए बोलियो तो या टोकोगे अरे तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो बहुत अप्रिहेंसिव हो जाएगा। अब रात को जब बच्चा अपनी मम्मी के पास खाना खा के बैठता है या मम्मी उसे प्यार करती है, ये एक तो किस थेरेपी देनी बहुत जरूरी है, बच्चों को बार बार चूमना, उन्हें जाहिर करना, वो बड़े हो रहे हैं तो भी उन्हें प्यार करना बहुत जरूरी है, और उनको धीरे से दिन में एक बार बताएं बेटा ये शब्द ना ले, तो अपनी टंग चला के दिखाएं कि इसमें ले कहने में टंग का क्या मूवमेंट है, टंग नीचे के दांत पे लग रही है या ऊपर के दांत पे लग रही है, ताल उधर जो पैलेट है उस पे जाके लग रही है। तो जब आप उसे बोल के दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ले ले कहने में जिससे एल्वियुलर साउंड ये जाके जो दांत है इसके पीछे हिस्से में लग रही है जी। तो वो धीरे धीरे 10 से 15 दिन के अंदर ही उस वर्ड को करेक्ट कर लेगा। बट आप उसे फोर्स करोगे, उसको बेइज्जत करोगे, जैसे मैंने कहा हर एक आदमी को सम्मान चाहिए चाहे वो 1 साल का बच्चा है। हालांकि 1 साल के बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो भूल जाता है बहुत जल्दी, आपने उसे झापड़ लगा दिया वो भूल गया, उसे खिलौना दे दिया भूल गया, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है फिर वो भूलता नहीं है, फिर उसको याद रहता है सब, और फिर उसको कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है, पेशेंस रखें, और हर आदत को सुधारा जा सकता है, हर चीज को सुधारा जा सकता है एप्रिसिएशन के साथ, धैर्य के साथ, और बस एक ही बात है, बार 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 उसकी नैगिंग ना करें, बार बार टोकेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। बच्चे के लिए भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, माइंडसेट उसका हो जाता है कि मुझे तो हर चीज के लिए डांटी पड़ती रहती है। मैम इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरह के बच्चों की किस तरीके से हेल्प करते हैं। देखिए अगर उनको कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गए हैं, जैसे बच्चे में किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी है, हीन भावना आ गई है, या वो चुप चुप रहने लगा है, इसकी स्कूल की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो साइकोलॉजिस्ट उसका पूरा असेसमेंट करते हैं कि आखिर रूट कॉज तक पहुँचते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसका ये जो बिहेवियर है उसके पीछे की वजह क्या है, और उस वजह को पता लगाने के बाद फिर उसके जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट निकल कर आते हैं उस पर उस बच्चे को, बच्चे की एज के अनुसार बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं, तो उसके अनुसार बच्चे को उस कंडीशन से बाहर निकाला जाता है और उसे इम्प्रूव किया जाता है। और जहाँ तक ये तुतलाने में है वो मेनली एक साइकोलॉजिस्ट आपको डायग्नोस करके बता देगा कि भाई ये प्रॉब्लम इस वजह से भी है, तो इसको करेक्ट करना एक स्पेशलिस्ट यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट का ही काम है, तो हम लोग उनको रेफर कर देते हैं। बेसिकली एक टीम वर्क है जी, और पूरी टीम जब एक साथ काम करती है, हम उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट उसकी स्पीच पर वर्क करते हैं, फैमिली वाले उसको सपोर्ट देते हैं क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। वो यहाँ से सेशन लेके गया, वो स्पीच थेरेपिस्ट का सेशन लेके गया, बट घर जाते ही आपने सोच रखा था कि जादू जैसा आज एक साइकोलॉजिस्ट का सेशन कराया, एक स्पीच थेरेपिस्ट का सेशन हो गया और बच्चे का वो करेक्ट हो गया, और वो नहीं, बच्चा फिर भी वही रिपीट कर रहा है, तो आपने उसके सामने शुरू कर दिया कि कोई फायदा नहीं है इसके ऊपर, इतना पैसा लगा लिया, ये कर लिया, ये तो वैसा ही रहेगा, जो भी आपने कहा, तो आपने क्या किया, उस बच्चे को और पीछे धकेल दिया। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका सपोर्ट होता है, तो फैमिली मेंबर्स को गाइड किया जाता है कि आपको इस टाइम पेशेंस रखना है और किस तरीके से बिहेव करना है जी। तो ये एक टीम वर्क होता है,
जिसमें कई सारे लोग मिलकर एक दिशा में काम करते हैं और एक कॉमन गोल पे काम करते हैं, और तब जाकर वो टीम एफर्ट से वो बच्चा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि पेशेंस और बच्चे को एप्रिसिएशन, जैसे ही वो करेक्ट करेगा, मतलब अपना थोड़ा सा बेटर किया उसने, उसकी स्पीच बेटर हो रही है या वो अपने उस जोन से बाहर जा रहा है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए जी, ताकि क्योंकि अप्रिसिएशन से बिहेवियर रिपीटेशन होता है, तो वो और एफर्ट्स डालेगा और वो बाहर आ जाएगा जी। तो ये बेसिकली सर आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें क्या कोई जेनेटिक रीजंस भी होते हैं या फिर आप कुछ और इससे रिलेटेड बताना चाहेंगे? नहीं, के लिए कोई जेनेटिक रीजन नहीं है इसका, एक्चुअली कॉज ही नहीं पता, बट ये देखा गया लड़कों के अंदर ज्यादा कॉमन है, और ये भी देखा गया कि जिसमें पेरेंट्स तुतलाते थे तो उन फैमिलीज के अंदर थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी। इवन हकलाने के लिए भी ऐसे ही है, हकलाना बहुत कॉमन है, अप टू 10% चिल्ड्रन दे स्टूटर और स्टैमर हकलाते हैं, 10% तक बच्चे, उसमें से 75% बच्चे अपने आप समय के साथ ठीक हो जाते हैं जी, बशर्ते उन्हें एक एनकरेजमेंट मिले और उनका मजाक ना बने। 4 साल तक जो बच्चे ठीक नहीं होते या जो सोशली एम्ब्रेस फील करते हैं, जो या जो सिचुएशंस में बोलने से बचते हैं, जैसे कुछ बच्चों को हकलाना टेलीफोन पे बात करते हुए हकलाना शुरू हो जाता है, उन बच्चों को जरूर स्पीच पैथोलॉजिस्ट को देखना चाहिए। बट इसमें जो हमारे पास सबसे कॉमन ग्रुप वाले बच्चे आते हैं, तो पेरेंट्स बताते हैं पहले से ही बोलता था और अब ये इसने हकलाना शुरू कर दिया, और ये चीज़ अब बहुत कॉमन है। इसके 2 मुख्य कारण जो मुझे लगते हैं, एक तो पेरेंट्स का या स्कूल का प्रेशर उनके ऊपर, जो उनका टीयर डाउन हो जाता है, टीयर डाउन मतलब उनकी पर्सनैलिटी छिन छिन हो जाती है उसको ज़्यादा प्रेस करने से। एक आजकल मदर्स को खाना खिलाने का बहुत ही पैशन है कि इसकी ग्रोथ नहीं होगी और वो खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करती हैं। देखिए, खाना खाना सटकना एक ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेशन है, ऐसी बोलने का भी ना ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेशन है। जब आप ठूस ठूस के खिलाते हैं या ज़बरदस्ती मुँह में डालते हैं, तो उससे टंग का जो मूवमेंट लिप्स के साथ सब गड़बड़ा जाता है, तो बहुत से बच्चे डिलेड स्पीच का शिकार हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, बहुत देर से बोलते हैं, और बहुत सारे बच्चे हकला भी सकते हैं। तो हकलाने के लिए जो इमोशनल अब्यूज़ है, अगर इमोशनल अब्यूज़ उसका रीज़न है, तो वो ज़रूर टैकल होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइकिल की चेन जो है ढीली होने पे ही उतरती है, तो ऐसे बच्चों के सामने तो बहुत विशेषकर हमें बहुत अपना सेंटेंस तोड़ तोड़ के धीरे धीरे बात करनी चाहिए जी। जब पेरेंट्स इस तरह से बात करते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करके अपनी साउंड को, फोनेटिक्स को बेटर कर लेता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो एक नेचुरल रिदम है और स्पीड है वो अटेन कर लेता है जी। तो देखिए पेरेंट्स, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक आपको एक डेमो दिया है कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे को समझाना है, ताकि वो उन चीजों को समझ भी पाए और उन चीजों को अपनी लाइफ में साकार भी कर पाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी इन शॉर्ट की तुतलाने और हकलाने के लिए जो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सेम ही पैटर्न को अपनाते हैं या कुछ डिफरेंस होता है दोनों के लिए? देखिए डिफरेंस है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो रूट कॉज तक पहुंचते हैं कि प्रॉब्लम जो है, बच्चा जो हकला रहा है और उसके पीछे क्या ऐसे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जी। जैसे आप देखिए कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो हम लोग भी बीच में कहीं ऐसे मतलब सोचने का टाइम ले रहा है, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है मोमेंट्री, कई ना 2 वर्ड्स के बीच में इतना गैप हो जाता है कि उसे हकलाना काउंट किया जा सकता है। कुछ लोग जो बच्चे इमोशनली अब्यूज़ के शिकार होते हैं, जिनको कुछ फैमिली का प्यार नहीं मिलता या रिजेक्शन मिलता है या फेलियर मिलता है, तो उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी वो हकलाना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, मेरे पास एक केस था, वो एक मुस्लिम बच्चा था, उसके फादर बहुत ही ज़्यादा सख्त रहे, उसको बचपन में जरा जरा सी बातों पे मार्क्स के लिए या कुछ ऐसे पिटाई विटाई हो जाती थी, वो अपने पापा से इतना डरता था, जैसे ही वो अपने पापा के सामने जाता था बस उसको हकलाना शुरू कर दिया। बाकी उसकी मम्मी ने बोला कि ये सबसे नॉर्मल बात कर लेता है। जब मैंने उसके कई सेशंस लिए, मुझसे भी उसने बिल्कुल नॉर्मल बात की, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पापा के सामने जाते ही हकलाना शुरू कर देता था। तो यानी कि उसके मन में जो डर बैठा हुआ था कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ फ्लो में जिससे कि मेरे को डांट पड़ जाए,
तो वो क्या है, वो इतनी स्पीड स्लो हो जाती है, वर्ड्स का जो कोऑर्डिनेशन है सेंटेंस फॉर्मेशन उसमें इतना गैप हो जाता है, हकलाने में काउंट हो जाता है. मतलब इसके इमोशनल रीजंस बहुत ज़्यादा है. और जैसे ही बच्चा उन इमोशनल इश्यूज से आउटग्रो करता है, हम एज ए साइकोलॉजिस्ट उसको उस इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यूज से आउटग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो उसकी जो स्टैमरिंग की आदत है वो अपने आप ही धीरे धीरे गायब होने लग जाती है. और जैसे आपने पूछा कि स्पीच थेरेपिस्ट है, मेनली अगर उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल रीजंस हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो साइकोलॉजिस्ट ही वो वहीं से ही कवर कर देते हैं. क्योंकि इस तरीके के काफी केसेस मेरे पास आए और मैंने उनको नॉर्मल बिल्कुल हो गए, वो बाद में जो उनका स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि वो इश्यूज खत्म हो गए जो ट्रिगर करते थे. हाँ जी. और अगर ऐसा है कि साइकोलॉजिकल रीजंस उतने नहीं है, कुछ और है और उसकी एक हैबिट डेवलप हो गई है या कुछ और भी उसमें इश्यूज हैं, देन हम एक, जैसे मैंने आपको बताया कि टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो हम स्पीच थेरेपिस्ट को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं. बट हकलाने के पीछे मेजर जो रीजंस होते हैं वो आपके इमोशनल इश्यूज, यस, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस अमाउंट है आपके अंदर, आपको कोई एंजाइटी है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से या बाहर किसी भी रिजेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हैं, उन केसेस में ज़्यादा देखा गया है. जैसे ही उनसे बाहर निकलते हैं वो नॉर्मल हो जाता है उसे. इसमें ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें आपके लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है, आपके एजुकेशन मेंटल लेवल का, आपकी अपब्रिंगिंग स्टाइल का, मतलब आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंस का शिकार हैं तो नेचुरली आप वहाँ डरे डरे घबराए घबराए से रहेंगे. जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहाँ पर बंदा, इसकी स्पीड बढ़ी जाती है, ठीक है, मतलब वो फ्लो में आ जाता है. बट जहाँ पर उसे है कि हर शब्द पर वॉच हो रही है तो वहाँ पर बड़ा केयरफुल अटेंटिव हो जाता है. आपने देखा होगा कितने भी पॉलिटिशियन या कितने स्पीकर्स जो जब पब्लिकली वो देते हैं तो दे टेक पॉज, बट वो पॉज ही जब बड़ा लंबा हो जाता है या मुंह में वर्ड वो घूम जाता है और आपका माइंड सोच रहा होता है पीछे कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, वही तो कंडीशन बनती है ना उसमें, तो वही लोग ज्यादा वो करते हैं जिनका माइंड ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि अगला शब्द तेरे पे क्या भारी पड़ेगा. राइट, तो इसको तो आसानी से रिमूव किया जा सकता है. तो देखिए पेरेंट्स, ये आपको पता लगाना है कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है. अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा. और अगर आपके कोई सवाल हमसे हैं तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम. और आई होप पेरेंट्स कि आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हम हमेशा कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं और आपके बच्चों से जुड़े हुए हों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो. तो आपके सजेशंस आप हमें जरूर दीजिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीक. बाय बाय.